चलाने से मना कर दिया है। ताऊ जी, मुझे ये शादी नहीं करनी। शादी नहीं करनी? और क्या बकवास कर रही है तू? पागल हो गई है? ये हो गया तनु, किसने ये फैसला किया है शादी नहीं करनी? और आप लोग होते कौन हो ये फैसला करने वाले? आप लड़के से शादी कर रहे हो, माँ बाप से नहीं कर रहे? तो लड़के का प्यार करनी है, ये फैसला सानू करन देना। कैसे ले लिया इतना बड़ा फैसला तूने? तुझे हक क्या है? तुझे किसने कहा था इस सब में पढ़ने के लिए? हम कर रहे थे उनकी मांगे पूरी, तू गई क्यों उनके पास? ताई जी, सौम्या भाभी ने एकदम ठीक किया। अगर आप लोगों ने मुझे पहले ही बता दिया होता तो मैं शादी के लिए कभी जिद नहीं करती। दिमाग खराब हो गया तेरा सिंधु? शादी क्यों तोड़ा है तू? तू तो अंकुश से प्यार करती है ना सिंधु? प्यार करती हूँ तो क्या अपने परिवार को सड़क पे ले आओ? करुण की जान मांग लेगी तो वो भी दे दू क्या? मैं ये शादी नहीं करूंगी, मैं ऐसे घर की बहू नहीं बन सकती। और हरक सिंह, तुम्हें क्या जरूरत थी उनकी सारी मांगे पूरी करने की? ऐसी क्या मजबूरी थी? एक किन्नर के घर से रिश्ता जोड़ने का मुआवजा चाहते हैं, इसलिए दहेज में प्रॉपर्टी, फैक्ट्री, जो कुछ भी बन पाए उसकी मांग रखी है उन लोगों ने। ये इन घटिया लोगों से रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं हम। देख रही है तू प्रीतो, कैसे घटिया इंसान को बढ़ावा दे रहा है हरक सिंह। मैं जानती थी ये बात, और हम बड़े बैठे हैं फैसला करने के लिए। तुम लोगों का कोई हक नहीं है पीछे पड़ने का। हम कर रहे थे ना फैसला, क्या जरूरत थी वहां जाने की? मिल गई तेरे कलेजे को ठंडक, तुझे तो सारी खुशियां मिल गई ना, इसीलिए तू नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी का घर बसे, उसे खुशी मिले, है ना? इसीलिए तोड़ दी ना तूने ये शादी। किन्नर कही की तुझे तो है ना? इस बार तूने गलत किया है बहू रानी। शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है। सबके सामने बरात लाने को मना कराई है, ये परिवार वालों का नाम भी खराब हुआ है और सिंधु की जिंदगी भी। मुझे पता था ऐसा कुछ होगा, इसीलिए मैंने सबसे बात छुपाई। मैं सिर्फ यही चाहता था कि सिंधु की शादी हो जाए। हो गया, अब हम जमाने को क्या मुंह दिखाएंगे? अब कौन ब्याह करेगा मेरी बेटी के साथ? इस किन्नर ने तो जिंदगी बर्बाद करके रख दी मेरी बेटी की। सुनिए, आप फोन करिए ना समधी जी को, देखिए अगर बात संभल जाए तो। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? सिंधु उस घर में खुश नहीं रहेगी। आज एक किन्नर के घर से रिश्ता जोड़ने के लिए वो दहेज मांग रहे हैं, कल दिन को कुछ और मांगेगी, हम क्या करेंगे? तू विजय मत पढ़। एक लड़की की शादी टूटने का मतलब तुझे समझ आ रहा है? वो भी तब जब बारात दरवाजे पर आने वाली हो। कैसे होगा इसे अंदाजा? ये औरत होगी तो इसे अंदाजा होगा ना? ये तो एक किन्नर है। हाँ किन्नर है, पता है हमें किन्नर है ये, और इस किन्नर के लिए, तेरी बेटी के लिए जो करना होगा ना हम करेंगे सब। आप फोन करिए ना, और जरूरत पड़े तो माफी भी मांग लीजिए। नहीं ताऊ जी, आप उन लोगों से माफी नहीं मांगेंगे। मुझे ये शादी नहीं करनी। चल यहाँ से, तू निकल यहाँ से। मुझे नहीं करनी ये शादी। करिए ना फोन। मम्मी जी प्लीज प्लीज, ये मेरा यकीन मानिए, अंकुश जी सिंधु से प्यार करते हैं और वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, आप प्लीज। चुप कर तू। हरमन, सौम्या को अंदर ले जा। आप फोन करिए जी, कम से कम आप तो इन्हें समझाइए ना प्लीज। सौम्या, सिंधु और अंकुश एक दूसरे से प्यार करते हैं,
हाँ वो प्यार करते हैं, और प्यार की अहमियत हम दोनों से ज्यादा और कौन जान सकता है। और अगर अंकुश जी के प्यार में ताकत होगी तो वो सिंधु को लेने यहाँ आएंगे। प्लीज प्लीज मेरी बात पर यकीन कीजिए। देख लिया, इसीलिए हम किन्नर के घर में रिश्ता नहीं कर रहे थे। अब हो गया ना मुंह काला, सब तुम्हारी वजह से। पापा आपने आज जो किया वो गलत था। अब सही गलत क्या है ये तू मुझे समझाएगा? आपने जैसी हरकत की उसकी बात तो समझाऊंगा ना। तमीज मत भूल के तेरा बाप हूं। मैं बाप के सामने बदजुबानी करी ना तो जबान खींच के हाथ रख दूंगा। मां मां मैं सिंधु से प्यार करता हूं, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। आप प्लीज प्लीज पापा को समझाइए ना। अब तुम चुन लो, माँ बाप का प्यार या उस सिंधु का प्यार। अरक सिंह, अगर वाकई अंकुश सिंधु से प्यार करता है तो वो आएगा, अपने माँ बाप से लड़के आएगा, उसके रास्ते में जो आएगा उससे लड़के आएगा, पर आएगा जरूर। वीरन, मैं अभी भी कह रही हूँ इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घर तो हमारी बेटी का नहीं बसेगा ना। अब समझे वीरन, अब तो चलिए यहाँ से। ठीक है, अगर आपको नहीं चलना ना तो मैं अकेली चली जाऊंगी। चाची जी ले, तू बात नहीं करेगी, ये सब कुछ तेरे वजह से हो रहा है। रितो, तुझे भी लगता है सौम्या ने गलत किया? हाँ बिल्कुल गलत किया है। क्या गलत किया बता। अरे लालची लोग हैं वो, कैसे रहेगी सिंधु उनके साथ? आज तुम लोग शादी से पहले उनकी एक मांग पूरी कर दो, शादी के बाद वो दूसरी मांग रखेंगे और उसके बाद ये जिंदगी भर चलेगा। हाँ करते रहेंगे, उनकी मांगे पूरी कर करके उनका मुंह जिंदगी भर बंद रखेंगे। ये गलत है, अंकुश जी सिंधु से प्यार करते हैं और उसे लेने वो यहाँ आएंगे। प्लीज आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? सौम्या भाभी सही कह रही है। मैं अपना घर परिवार छोड़ के आ गया हूँ आप सब लोगों से माफी मांगने और सिंधु से शादी करने। अब लोग प्लीज मेरे घर वालों से बात करने के बारे में मत सोचिएगा। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं सिंधु को हर खुशी दूंगा, मैं सिंधु को उसी तरह से प्यार करूंगा जिस तरह हरमन भैया सौम्या भाभी से करते हैं। अरे भाई कोई पंडित को तो बुलाओ, मेरी बहन की शादी है। वरमाला के लिए खड़े हो जाइए।
हो गया सब? आज वो बाप सब तेरे खिलाफ हो गए, मैं भी बुरा लगा होगा ना बहुत। बुरा नहीं लगा, और वैसे भी अपने ही तो डांटते हैं, और जहां प्यार होता है वहां पर डांट भी होती है। और वैसे भी आपसे और हरमन जी से जो सीखा है कि अंत में जीत प्यार की होती है। कहां से सोच लेती इतनी अच्छी अच्छी बातें? अब तो तेरे साथ रह रहे के मुझे भी यकीन हो गया है कि अंत में जीत हमेशा प्यार की होती है। अच्छा ये हो गया ना, निपट गया ना सब, चल अब पढ़ाई वढ़ाई शुरू करते हैं। इतने दिनों में इतना सब कुछ हो रहा था, पढ़ाई रह गई तेरी, अब कल से सब कुछ पहले जैसा करना है। हाँ चल चल चले। आज सिंधु और अंकुश की सुहाग रात है, तो हमारी भी हुई। चलो सुहाग रात ना सर, तुम अपने सुहाग के साथ कुछ सुहाग वक्त तो बिता ही सकती। जी बात तो आपने सही कही, अब आपने मेरे लिए इतना प्यारा गाना गाया, दो लाइनें तो मैं भी गा ही सकती हूँ। बस बहुत हुआ हंसी मजाक, आप ना मुझे पढ़ने देते और ना खुद पढ़ाई करते हैं। मैंने परी से जो जो हमने मिस किया है ना वो सब लिख लिया है, आप भी बैठकर अपना होमवर्क कीजिए और मुझे भी करने दीजिए। चलिए ये पढ़ाई हमारे प्यार की दुश्मन बन गई है, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं आंदोलन छेड़ूंगा, नारे लगाऊंगा, स्कूल की पढ़ाई हाय हाय, स्कूल का होमवर्क हाय हाय, स्कूल की पढ़ाई। क्या? ओ हेलो, मैं इस बार तुम्हारे इन इशारों में नहीं फंसने वाला, हमेशा तुम ऐसे ही करती हो इशार। बड़ा आशिक आवारा बना घूम रहा है। हाँ? इतने सारे फूल बर्बाद कर दिए तेरे बाप के बगीचे से आए। अरे प्रीतो, हरक सिंह के फूल के बगीचे नहीं है। बकवास मत कर। कितनी जालिम माँ है तू, पहले मेरी बीवी को डांटती है, उसके बाद मेरा कान खींच रही है। तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो अभी तो सिर्फ कान मरोड़ है, चपेट भी लगा दूंगी। चपेट तो लगा दी तूने। पढ़ाई कर, मैं बाहर से देख रही हूँ तुझे, अभी बैठ। हाँ। चुप, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया जी? गुलाम, आज तुम्हारे ये बदले हुए तेवर देख मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है, बहुत बहादुर हो गई है मेरी गुलाब। सच कहूं तो जी, ये सब आपके प्यार का कमाल है। आपके प्यार ने मुझे खुद के फैसले लेने की हिम्मत दी है, और जो कुछ भी बदलाव आया है वो सिर्फ और सिर्फ आपके भरोसे से आया है। नहीं, जब प्यार इतना तगड़ा हो तो असर भी तो ऐसे ही होगा। वैसे थोड़ा योगदान तो तुम्हारे प्यार का भी। नहीं जी, पूरा का पूरा योगदान सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार का है।
अब पढ़ाई शुरू करें, एग्जाम्स आने वाले हैं और हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। चलिए अपना होमवर्क खोलिए। मैं ये सोच रही थी कि शादी के बाद मायके से विदा होकर पति के घर जाना हर लड़की का सपना होता है। अंकुश, हम जल्दी से एक छोटा सा घर रेंट पे लेके शिफ्ट हो जाएंगे। सिंधु, मैंने सब सोच लिया है। मैं बहुत ही जल्द एक अच्छी सी जॉब ढूंढ लूंगा और फिर हम लोग एक घर भी ढूंढ लेंगे। ओए सरकार वाले, ये साड़ी हमारी बेटी है। इसे बाहर जाने की जरूरत नहीं, किराए पे मकान लेने की भी जरूरत नहीं है। साढ़े बड़े कारोबार फैले हैं, फैक्ट्रियां की हैं। आगे प्रीतो की कहानी तू दस। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, इतना कारोबार हमारा ही है, तू बाहर क्यों काम करेगा? और तू यहीं बैठ के हमारी बातें सुनती रहेगी? अरे पति को कुछ खिला, जब कुछ बना ले, हमें भी भूख लगी। तुम बैठो ना, मैं चाय नाश्ता बना के लेके। सिंधु, हरमन भैया भी तो सौम्या भाभी की हेल्प करते हैं ना किचन में। और फिर मैंने तुमसे वादा भी किया है कि मैं भी तुम्हें वैसे ही प्यार करूंगा जैसे हरमन भैया सौम्या भाभी से करते हैं। गुड मॉर्निंग चार। मॉर्निंग मैचर। कल से एग्जाम शुरू हो रहे हैं तो पढ़ाई करना शुरू कर दो और मस्ती छोड़ दो। चल बुक्स निकालो। टीचर जी, एक सवाल था, ये एग्जाम देना जरूरी है क्या? हाँ हरमन, एग्जाम देना भी जरूरी होता है और पास करना भी। अच्छा, ए मोटे तू पास होता है? उस सीनियर सिटीजन, मैं तो टॉप करता हूँ। अच्छा, फिर तो मैं भी टॉप करूंगा। तुम टॉप करोगे? वो कैसे? तेरे पेपर से नकल करके। मोटे, अगर तूने मुझे नकल नहीं करने दी तो मैं तेरी सारी हवा निकाल दूंगा, समझा? सौम्या दीदी कुछ दिनों से स्कूल नहीं आई थी ना, तो मैं उन्हें पढ़ाई का बता दूं? ठीक। सौम्या दीदी आप चिंता मत करो, आप भी अच्छी स्टूडेंट हो, आप पास हो जाओ। पता नहीं, मन कुछ घबरा सा रहा है। मत घबराओ, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है इसे तेज बुखार भी है। क्या दे मुझे? सुनिए, आप डॉक्टर को फोन करिए। अब बुलाने बुलाने एक मिनट ठहर जा। मैं कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये कुछ दवाएं मंगवा लीजिए, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब आप यहाँ? क्या हुआ सोहम को? क्या हुआ जी? कुछ नहीं पुत्र, बस उल्टी हुई और एकदम से बुखार आ गया। सोहम को बुखार? बट डॉक्टर ने दवाइयां लिख दी है। अच्छा रख जी, अब मैं चलता हूँ। जय श्री काल जी, मैं जरा दवाई लेके आता हूँ। अरे सुन, किताबें लेकर कितने जा रहा है? प्रीतो कल एग्जाम है, सौम्या को किताबें देने जा रहा हूँ। वो पढ़ लेगी और जब तक वो पढ़ेगी मैं सोहम का ध्यान रख लूँ। मालिश कर आई हूँ मैं सोहम की। माँ है ना, जब तक खुद ख्याल नहीं रखेगी उसे सुकून नहीं मिलेगा, इसलिए आज ये सब तू रहने दे। हरमन जी, हमारा सोहम ठीक तो हो जाएगा ना? बुखार छूमंतर, अब देखना गुलाब, एक मिनट में ठीक हो जाएगा सोहम।
मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा दिल पढ़ाई में तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। मैं सोच रही हूँ कल एग्जाम कैसे दूंगी मैं, और ऐसी हालत में सोहम को छोड़कर मैं नहीं जा सकती। बुखार है सोहम को, ठीक हो जाए। मटर छील के रखे हैं ना तूने? हाँ रखा हुआ, कब के रख दिए थे। मम्मी जी, हम बस एग्जाम के लिए निकल रहे हैं, और आज मैं सोहम को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। अरे सौम्या, सोहम को स्कूल कहाँ पे लेके जाएगी? और वैसे भी हम सब है ना यहाँ देखने के लिए। ना एक गल दस मैनू, तो सोहम को अपने साथ स्कूल लेकर जाएगी तो एग्जाम में क्या लिखेगी? तेरा ध्यान रहेगा एग्जाम में? मम्मी जी, अगर सोहम साथ में नहीं रहेगा तो शायद मन नहीं लगेगा। अरे आज से मैं भी तो स्कूल जा रही हूँ। जब तक भैया भाभी एग्जाम्स देंगे तब तक मैं सोहम को संभाल लूंगी। पर सिंधु, तू बात समझने की कोशिश छोड़। ये माँ है ना, ये नहीं समझने वाली। अपने बच्चे को साथ नहीं ले जाएगी तो इसका ध्यान ही नहीं रहेगा, एग्जाम तो बिल्कुल ही नहीं लिख पाएगी। ठीक है तू ले जा, लेकिन अच्छे से लिखना हा? और अच्छे नंबर लेकर आना। जी बाबू जी। चल। कितना प्यारा है ये तो, एक दिन बड़ा होकर ये भी हमारे स्कूल में आएगा ना पढ़ने। हाँ हम भी इसे अपना फ्रेंड बना लेंगे। हाँ चलो, क्या क्या कर रहे हो? एग्जाम टाइम हो चुका है, जाओ अपने अपने क्लासरूम में। सौम्या, अब बच्चे को साथ में स्कूल लेकर आई, वो भी एग्जाम के दिन। सर एग्जाम नहीं होती तो हम स्कूल भी नहीं आते, और तबीयत बहुत खराब है हमारे बच्चे। प्रिंसिपल सर, वो ऐसे हालात में हमारा ध्यान नहीं लगता इसलिए ले आए। समझ में नहीं आ रहा है कहाँ लेकर जाऊं सोहम को, जहाँ वो ठीक हो जाए। मैं प्लीज सजेस्ट यू वन थिंग, आप लोग ना इस बच्चे को हमारे वेद जी के पास लेके जाओ। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.